तेरा रोशन हो जा नाम काम ऐसा कर बेटा। एक एक बोल ध्यान तो सुनिए, बड़ा तोड़ का लिखा भजन कैसे। ओ तेरा रोशन हो जा जाने कर राख्या से जीना हरा हरा अंग्रेजाने कर राख्या से जीना हरा हरा रे अंग्रेजाने रे कर राख्या से जीना हरा हरा सुनिए कि जित भैया का एका हो वो कुणबा फूल्या फड़या करे पर फलता देख पड़ोसी ने भाई ओछा मानस जड़या करे आपस के मां फूट पड़े तो इज्जत माटी रड़या करे और देश धर्म जाति का संकट बलिदान ते टड़या करे। लाडले इस देश के ऊपर संकट आया है, अगर तू अपने प्राणों की आहुति दे देगा अपनी जान दे देगा तो गली गली में भगत सिंह पैदा हो जाएगा। इन अंग्रेजा ने मजबूर होके इस भारत देश को आजाद करना पड़ेगा, छोड़ के भागना पड़ेगा। अरे अपनी दूध भी पिलाई है मैंने तेरे को, जवान किया है, इस कोख से जन्म दिया है, जहल तो मेरे भी बतेरी उठे हैं, पर बेटा मैं सोचू हूँ मेरा मेरा बेटा थोड़ी सही, पूरे देश का बेटा है। ऐसी ऐसी माताएं होती थी। नंबर दो पे भगत सिंह की माँ क्या कहने लगी, शाबाश। तेरे नाम की दिल में उठती टट्टू छाल तमाम, तेरे नाम की दिल में उठती टट्टू छाल तमाम, ये तेरे नाम की दिल में उठती टट्टू छाल तमाम, तेरे नाम की दिल में उठती टट्टू छाल तमाम। अरे देश धर्म पे परी हो सरे बेटा देश भगत का नाम, राम बराबर हो सरे बेटा देश भगत का नाम, राम बराबर हो सरे
भगत का नाम राम बराबर हो सरे बेटा देश भगत का नाम वे सारी दुनिया याद करे तने शीशे झुका सुबह उसका तो क्या बात है जिए और अंत में समझाने लगी नुगली रे मेरे लाल बार बार एक ही बात कहती हूं अगर वचन देव तो सच्चा दिए नू ना हो अंग्रेजा ने तुम फंस जाओ और अंग्रेज तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा अत्याचार करे तुम वापिस घर की तरफ आ जाओ डरना नहीं से क्योंकि जिस देश का राजा अन्यायी हो शोषण करता हो उस देश में रहने का कोई फायदा नहीं है इससे बढ़िया तो हो वहां पर लड़ाई करते करते अपनी जान दे दे तो ठीक से इवे ट्रैक्टर ट्रेली भर भर जो किसान दिल्ली जान लाग रहे ये गलत नहीं से मेरी बुद्धि जहां तक काम करती है जितना मुझे ज्ञान है ये 100% सही है मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे राम मंदिर धारा 370 तीन तलाक कितने बढ़िया बढ़िया फैसले लिए लेकिन आड़ गलती खा गया इतनी बड़ी गलती खा गया कि देश का राजा सब ने सर पर ठा लिया था मोदी मोदी होगी थी सुकृत लेकिन लोगो उसने सोचा था कोई टोकता नहीं तो असली मोदी बन जा लेकिन मेरे भाइयों बहनों में कोई राजनीतिक पॉइंट नहीं ठहरा मैं कहना चाहता अपने मन के भाव प्रकट करना चाहता हूं अब किसानों के साथ में अगर ऐसा करेगा तब भाई कितने बढ़िया फैसले ले रखे हो हम उन बुलांदे को नहीं वो भी याद रहोगे लेकिन ये चीज सरासरी गलत है अब शोषण शुरू हो गया है हमारे किसान वर्ग का शोषण शुरू हो गया अगर किसान जे चुपचाप बैठ के शोषण न सहन करेंगे तो लोगों नु सोच लो हम बुजदिल हैं हम खत्म हैं हमारा फर्ज बनता आवाज उठाने का न्यू है भगत सिंह की मां कहने लगी बोले बेटा आवाज उठाओ लेकिन इसे उठाओ जो बुलंद हो सदियों तक ऐसे ही ज्योत जलती रहे देश भक्ति के नंबर चार पे भगत सिंह की माता कैसे समझाने लगी शाबाश ओम प्रकाश जुलाने यारे मत ना रहे गुलाब